ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की अटकलों पर विराम लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। यमुनानगर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जिला सचिवालय में एक बूथ स्थापित किया गया है, जिसमें बेल्ट यूनिट कंट्रोल एवं वीवीपैट यूनिट लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था का प्रतिनिधि, कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि पूरी कार्यप्रणाली को जांच पर रख सकता है। यहां काफी लोग भी आ रहे हैं और मतदान के बाद अपना अनुभव साझा भी कर रहे हैं। बाकी जो मशीन देखी जिस हिसाब से बता रहे, इस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि जिस बटन का प्रयोग करवाया हमारे से, या मैं जिसका भी छांट के किया, वो बटन की सही पर्ची आ रही है, अग वो दिख रही है कहाँ भी मैंने ये बटन का दबाया और यही अग गया रहा। इसमें सर एक फायदा ये भी है, अभी जो नए बच्चों की वोट्स वगैरह बनी है, जो पहली बार वोट डालेंगे, वो यहाँ पर आकर अपने वोट डालकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे उनको आगे इलेक्शन के टाइम में वोट डालने में बड़ी आसानी रहेगी। विपक्ष तो रोप लगाता रहेगा जी, मैंने भी डमो अभी वोट डाल के देखा है, मैंने एक नंबर की वोट डाली, एक नंबर उसमें वोटर मशीन पे एक नंबर आया, ये तो रोप विपक्ष तो लगाता रहेगा। जब जीत जाते हैं जब तो रोप लगाते रहे, जब हार जाते हैं तो जब रोप लगाते हैं, विपक्ष भी जब भी रोप लगाते हैं जब हारता है। कई बार ये आवाजें उठती हैं कि कोई मशीन की फंक्शनिंग कैसे है, क्या उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसी आवाजें हम अक्सर सुनते हैं अखबारों में भी, टीवी पे भी, लोगों में भी। तो उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये बूथ लगाया गया है, जहाँ पे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और साथ में वीवीपैट मशीन भी लगी हुई है। तो लोग आकर इसका देख सकते हैं ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे चलती है, कैसे वोट डलता है, वीवीपैट में कैसे आपको कन्फर्म होता है कि हाँ मैंने जहाँ वोट डाली थी उसी पर्ची निकली है। तो लोगों के शक शुबे और भ्रांतियाँ और दुष्प्रचार को रोकने के लिए बेसिकली ये लगाई गई है।